नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इन्फिनिटिव। क्या इन्फिनिटिव होता है गुरुजी? बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इससे पहले हमने बेसिक मैं आपको बताया था कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव होता है एक नॉन फाइनाइट होता है, एक वर्ब होती है जो सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य नहीं करती है। तो वही यहाँ पर आपको जानना है कि इन्फिनिटिव का किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटिव सेंटेंस के अंदर एक ऐसी वर्ब होती है जो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का कार्य, यानी मेन वर्ब, या हम इसको बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब, मुख्य क्रिया, यानी एक ऐसी वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब का कार्य नहीं करती है, बल्कि ये वर्ब सेंटेंस के अंदर नाउन का कार्य करती है। और नाउन होने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? नाउन या तो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो सकता है। नाउन दो तरह से कार्य करता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो ये इन्फिनिटिव जो है हमारा या तो सब्जेक्ट का कार्य करेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब देखिए इन्फिनिटिव की क्या पहचान होती है। अगर हम हिंदी का कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हिंदी रिकग्निशन हमारे पास होता है। जब भी हम लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी, और हिंदी में कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं, और उस सेंटेंस के अंदर जो प्रयुक्त होने वाली हिंदी वर्ब होती है, हिंदी वर्ब होती है जो हिंदी क्रिया होती है, उस हिंदी क्रिया के बाद में यदि जुड़ा हुआ होता है ना, ने, नी, या इसके अलावा के लिए शब्द भी जुड़ा हुआ हो सकता है, तो एक ऐसी हिंदी वर्ब जिसके एट लास्ट ना, ने, नी शब्द जुड़ा हुआ होता है या के लिए शब्द जुड़ता है, तो उस हिंदी वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं? उस हिंदी वर्ब को बोलते हैं इन्फिनिटिव, कि ये हमारा इन्फिनिटिव है। तो ये पहचान है। इंग्लिश में जनरली हम रूल देखते हैं कि इंग्लिश में जनरल रूल होता है इन्फिनिटिव के लिए। इन्फिनिटिव के लिए सामान्य रूल जो आपने अभी तक पढ़ा है, इन्फिनिटिव इक्वल होता है 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगाने से ये हमारा इन्फिनिटिव बनता है। तो जहाँ पर 2+ फर्स्ट फॉर्म होता है वो इन्फिनिटिव होता है। जैसे मैंने कहा टू गो, टू कम, टू सिट, टू ईट, इस तरह से ये हमारा सब क्या है? ये हमारा इन्फिनिटिव है। अब बात करेंगे इन्फिनिटिव के टाइप की। इन्फिनिटिव दो तरह का होता है दोस्तों। एक इन्फिनिटिव होता है, इसको बोलते हैं विजिबल, और एक इन्फिनिटिव मैं बोल रहा हूँ बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। ये दो तरह का हमारा इन्फिनिटिव होता है, विजिबल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। विजिबल इन्फिनिटिव जहाँ पर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा इन्फिनिटिव जो होता है ये विजिबल इन्फिनिटिव कहलाता है। यानी इन्फिनिटिव 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो विजिबल है। और कहीं पर दोस्तों हमें क्या मिलता है, 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इन्फिनिटिव है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि ये 2 जो है हमारा इनविजिबल हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, यानी इसका प्रयोग नहीं किया जाता, 2 का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इन्फिनिटिव का रूप ले लेती है। तो उस इन्फिनिटिव को हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। इस तरह का इन्फिनिटिव जो कहलाता है वो हमारा बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है।
उस तरह से विजिबल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव आपने देखा है। बात करेंगे आगे, देखिए हम यहाँ से ले लेते हैं पहला सिंपल प्रेजेंट के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर इन्फिनिटिव के लिए रूल है। तो आप एग्जांपल से आप इस तरह से समझेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने कहा राधा सीम्स टू रन, राधा दौड़ती हुई मालूम पड़ती है। बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इन्फिनिटिव के लिए रूल होता है टू प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। तो यदि मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लाता हूँ इस एग्जांपल को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राधा सीम्स टू बी रनिंग। स्टूडेंट्स के माइंड में बिल्कुल फिक्स होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट देखिए टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी अगर वर्ब बी बीच में आ जाता है तो फिर आईएनजी फॉर्म होती है। तो टू को देख करके स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है माई डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म, अगर बी बीच में आ जाता है तो आईएनजी फॉर्म आएगा, अगर बी बीच में नहीं आता है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बात करेंगे परफेक्ट टेंस की, यदि मैं इसको परफेक्ट में ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट में हो जाएगा राधा सीम्स टू हैव रन। तो यहाँ पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, रन रैन रन तीसरा फॉर्म फिर से वही फर्स्ट वाला फॉर्म होता है। तो राधा सीम्स टू हैव रन, ये हमारा परफेक्ट टेंस हो गया है। बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम जुड़ जाता है। तो एग्जांपल होगा हमारे पास, इसी को मोल्ड करते हैं, राधा सीम्स टू हैव बीन आ जाएगा यहाँ पर, राधा सीम्स टू हैव बीन रनिंग, हैव बीन रन सॉरी थर्ड फॉर्म आएगा हैव बीन रन, और यहाँ पर टाइम जुड़ जाएगा फोर टू आर्स, दो घंटों से। राधा सीम्स टू हैव बीन रन फॉर टू आर्स, राधा दो घंटों से दौड़ती हुई मालूम पड़ती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा सिंपल प्रेजेंट में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस में टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो जाता है। अब बात करने वाले हैं, इससे पहले ये हमारा हो जाता है कंप्लीट हो जाता है विजिबल इन्फिनिटिव। तो विजिबल इन्फिनिटिव मैंने बताया, विजिबल यानी जहाँ पर टू विजिबल होता है, तो वहाँ पर टू विजिबल होने पर इस इन्फिनिटिव को हम विजिबल इन्फिनिटिव कहते हैं, या सिंपल इन्फिनिटिव आप इसको बोल सकते हैं। बात करेंगे इनविजिबल इन्फिनिटिव की, इनविजिबल इन्फिनिटिव को हम बेयर इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। बेयर इन्फिनिटिव भी आप इसको बोलते हैं, जहां पर इन्फिनिटिव में टू को हटा लिया जाए, टू का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू को विलुप्त कर दिया जाए अर्थात टू का प्रयोग न किया जाए, तो वहाँ पर उस इन्फिनिटिव को हम इनविजिबल इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। अब देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही कैन रन यू शुड गो लेट हिम डू इट। तो आप इन एग्जांपल्स में देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन यहाँ पर टू नहीं आया है, टू इनविजिबल है, टू का प्रयोग नहीं किया गया है, और टू का प्रयोग नहीं किया गया है तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। जहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता वहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो सभी
मॉडल्स में इसका यूज़ किया जाता है। कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे हमारे पास लेट होता है, और भी बहुत सारी वर्ब होती हैं जहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा विजिबल और इनविजिबल इन्फिनिटिव इस तरह से समाप्त होता है। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।